सोशल मीडिया पर फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय खाने के कई पैकेट खोलकर खाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के मुताबिक कस्टमर को डिलीवरी करने से पहले डिलीवरी बॉय ने स्कूटर पर बैठकर 3 पैकेट में से कुछ चम्मच खाना खाया और वापस उसे पैक करके कस्टमर के पास ले गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद जोमेटो ने सोशल मीडिया पर घटना के लिए खेद जताया। जोमेटो ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर को हटा दिया गया है। जोमेटो ने लिखा कि जांच में पता चला है कि ये वीडियो मदुरई का है। हमने संबंधित शख्स से लंबी बात की। हम समझते हैं कि ये इंसानी गलती है और हमने उन्हें हटा दिया है। जोमेटो ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आगे हम पैकिंग के लिए टेम्पर प्रूफ टेप लाएंगे ताकि खाने की अच्छे से पैकिंग हो सके। हालांकि जोमेटो की ओर से कार्रवाई करने के बाद कई लोगों ने डिलीवरी पर्सन की ओर से दुख जताया है। कई लोगों ने लिखा कि उस शख्स को नौकरी से हटाया जाना काफी कड़ी सजा है। डिलीवरी बॉय कड़ी मेहनत करते हैं और भूख इंसान के कंट्रोल से बाहर की चीज है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, अगर लोगों को खाना चोरी करना पड़ता है तो हमारी सोसाइटी में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। मुझे उस शख्स के लिए दुख है। एक ने लिखा कि हमें फूड टेम्परिंग को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे कि डिलीवरी बॉय के लिए सही लंच टाइमिंग निर्धारित किया जाए।